तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा गेट? मुझे तो हंसी आ रही है। और मैंने यहाँ पे बुड्ढे का रोल किया है और मेरी हीरोइन ये है, स्वर्ण। तो मेरी स्वर्ण ये है यहाँ पे, स्वर्णी, स्वर्ण, स्वर्ण। तो मेरी स्वर्ण ये है, अपना इसका बुड्ढा है। और हमने यहाँ पे की ढेर सारी शुभकामनाएं। निकी क्यों खुद रही है? निकी बना रही है रायता यहाँ पे, निकी। और यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पराठे। और हमारी पूजा भी संपन्न हो गई है, सब नहा धो के रेडी हो गए हैं। रेडी मतलब कहीं नहीं जाना, पर नहा धो के पूजा कर दिया है। तो यहाँ पे हमने सब पराठे आधा आधा बना लिया है। सबसे पहले हम देते हैं अपने राणा जी के लिए, मामा के लिए। तो केविन भी आ गया है स्टेडियम से। केविन आज सुबह से स्टेडियम जा रखा था, है ना। हेलो, हाय, कुछ नहीं, नमस्कार, कुछ नहीं। भूख लगी है केविन को, भयंकर वाली भूख लगी। भूख, केविन आ गया है और केविन के लिए मैं यहाँ पे पराठा बनाऊंगी, क्योंकि केविन के लिए मैंने सुबह नहीं बनाया था, गरम गरम ही बनाती हूँ। और वैसे ही वैसे मैंने यहाँ पे दाल भी बना दी है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा गेटअप? मुझे तो हंसी आ रही है। और मैंने यहाँ पे बुड्ढे का रोल किया है और मेरी हीरोइन ये है, स्वर्ण। तो मेरी स्वर्ण ये है यहाँ पे, स्वर्णी, स्वर्ण, स्वर्ण। तो मेरी स्वर्ण ये है, अपना इसका बुड्ढा है। और हमने यहाँ पे रील्स बनाई दो तीन, है ना निकी। हाँ, तो थोड़ा उसके बाद हमारी कॉमेडी भी हुई, हंसी मजाक हुई। आप लोगों को पसंद आए तो जरूर अच्छे अच्छे कमेंट करना उसमें। और इसलिए ही पहना हमने ये वाला यहाँ पे वेशभूषा है, मैं इसके दादा जैसा लग रहा हूँ। हेलो सोरी, मैं इसके ससुर जी जैसा लग रहा हूँ। रील्स बना रखी है और इसलिए हमने ये वाला ऐसा वेशभूषा बना रखा है। तो आप रील्स लगाए, मैं तो वैसे यूट्यूब में बना दी है, ज्यादा नहीं बनाई, दो बनाई है बस, तो वो पोस्ट हो जाएगी। और जिसको वो देखनी होगी ना, वो बुआ के इंस्टाग्राम अकाउंट पे चले जाना। मत बहुत हिल रहा कैमरा यार, सामने में बुआरी बड़ी तो पूरी लटकनी तो मैं माऊ तो ऐसी ऐसी है हमारी कॉमेडी, जरूर देखना हमारी वीडियो, ठीक है। वो वाली कौन सी वाली, छोटा ना लड़ दे, कब भी नहीं कम पियो, भूल ही कभी जो नए नए लड़का थे ना। नहीं नहीं मैं बता रही ना, जो शादी के लिए उम्र के लिए लड़के हैं, मतलब छोटी उम्र वाली लड़की से शादी मत करना। मैं ये नहीं बता रही कि उसकी और मेरी, हम तो माँ बेटी का रिश्ता है हमारा, मतलब इतना गैप है हम दोनों में, ये तो हमारे बच्चे जैसे हैं ना, भतीजे तो बच्चे जैसे। क्या बोलते हैं, जल्दी शादी मत क्या करो, क्योंकि अभी अपनी पूरी एज ले लो। हाँ, 25, 26, 30 तवार तक कर भी आराम से। ये बोली मुझे, जब मैं 30 साल की हो जाऊंगी तब करनी है मुझे शादी। हमने कहा जॉब लग जाओ, भी क्या करियर, एक बार करियर सेटअप हो जाए उसके बाद। उसके बाद कोई नहीं, तो जब टाइम, तब उसके बाद करेगी ये शादी। पर आप लोग भी जैसे छोटी उम्र में मत करना शादी, और मतलब जब एज हो जाएगी ना शादी की, हाँ यार लगे कि हम गृहस्थी जमा सकते हैं, गृहस्थी का भार उठा सकते हैं, तभी शादी करना, नहीं तो शादी सोच समझ के करना। यहाँ पर इस चीज़ का वो नहीं उठा रही मैं, कि हम दोनों एक छोटा सा ऐसे बस रील बनाई छोटी,
तो जैसे मैं इसको देखती थी नाचते समय मैं वो कर रही थी ना, एक फील हो जाता ना, मतलब किसी चीज का रोल करो तो उसमें आदमी घुस भी जाता है, होता ही है। तो मैंने कहा जो इसमें छोटी भी लाता होगा जैसे तो उनको कैसा लगता होगा ना, तो पर जो रियल लाइफ काटनी है उसके लिए थोड़ा सा सिंसियर होना और सब कुछ, क्योंकि समझदार है यार आज की सब बच्चे लड़कियां सब समझदार है, कि जितना एज गैप होता है ना उस हिसाब से मतलब अंडरस्टैंडिंग कम होती है। एज गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए और मतलब लगभग ज्यादा से ज्यादा पांच साल के अंदर तक ठीक रहता है। जैसे तेरा तेरे मामा का मेरा है ए बाबा बताना, चल तू ही बता वो क्या यार, ना चल हम दोनों के बीच में कैसा है, चल निक्की बताएगी आज सच कैसे हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मामा बस बुआ की सुनता है और बुआ बस अपनी चलाती है और तेरे साथ ये बोलना ये सब झूठ बोल रही है यार, आप झूठ रहेगी सच बोल रहे चल जो भी है, पर कैसे कैसे रहता हम दोनों, तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। जैसे अगर कहीं बाहर जाना होगा तो इन दोनों का क्या सीन है कि ये जल्दी रेडी हो जाती है, जल्दी रेडी भी क्या फिर टाइम से रेडी होने लग जाती है, जिससे मतलब टाइम पे पूरा सब चीज़ कम्प्लीट हो जाए। और जब पूरा कंप्लीट हो जाता है बुआ बोलती चलो चलो बाहर चलो, और मामा उसके बाद आराम से खड़े होंगे, वो तो मेरे सारे व्यूअर्स को पता है कि कितना टाइम लगा थे वो तैयार होने में ना, फिर कपड़े मंगाएंगे हाँ। फिर दो चक्कर इधर दो चक्कर उधर, फिर फ्रेश होने, फिर शीशे के सामने फिर बाल ऐसे ऐसे करेंगे, फिर हमें लगता है कि रेडी होना शुरू हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, उसके बाद थोड़ा वॉशरूम जाएंगे, वॉशरूम से आएंगे फिर शीशे निहारेंगे, फिर थोड़ा दो चक्कर मारेंगे कमरों के, ऐसा लगता है खाना पचा रहे हैं, पचा रहे हैं, फिर बोलते कौन सी टी शर्ट पहननी है, फिर निकाल, फिर निकालते हैं ये भी अच्छी लगती, फिर अलमारी उधेड़ देते हैं, उसके बाद फिर बुआ और चिल्लाती है अब आराम सब सब हिलामत पूरा ही बहुत हिल रहा कैमरा, ए भाई तुम होते क्या, नहीं 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 व्यू जो हंसने जाने लगे कई लोग को ऐसा लगेगा पागल तो नहीं, स्किप कर देना अगर हमारी हंसी मजाक किसी को अच्छी नहीं लगाई तो, स्किप कर देना ऐसा की हर किसी को पसंद नहीं आता, हर किसी को ऐसा नहीं होता ना, बट ठीक है अपना अपना नेचर होता है वो चीजें अपनी अपनी तरफ से होती है। तो क्या था तेरे मामा और मेरे बीच में मामा और इनकी अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी है, मतलब उनके एज ग्रुप के हिसाब से जैसे मैंने बोला था ज्यादा डिफरेंस भी सही नहीं होना चाहिए, सही नहीं होता है, नहीं होता है, तो उस हिसाब से इनकी काफी अच्छी बनती है। चलो मेरी आज हम छक ज्ञान दे ली, रिलेशनशिप का ज्ञान दे दिया आज हमने, तो पता नहीं कैसी बन रखी वीडियो। और यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम, हमने खाना वाना भी खा लिया था दिन का और 5:30 होने लग गई है, 5:30 मतलब हो ही गई है, तो मैंने कहा यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़े भी बनाए जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पकोड़े ना हो जाए, है ना, आप लोग को पता होगा हमने खाना होना खाया उसके बाद हमने पकोड़े उकड़े बनाए, देखा होगा आपने वीडियो में, और केबिन भी आ गया स्टेडियम से, और क्योंकि पीछे से बोल रहे हैं तो दिमाग थोड़ा वैसे हो जाता है, रबड़ा जाता है, और केबिन नहा धो के केबिन जा रहा है दूध लेने के लिए, ये डब्बा है यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो मैं लेके आऊंगा वो मेरा काम है, तो केबिन कह रहा है कि मैं नहीं आ रहा आगे घूमने, केबिन जाएगा दूध लेने के लिए क्योंकि इसने अपना, देखते वीडियो पहले यहाँ तक आता था, मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, कहाँ तक आता मैं और निक्की जाएंगे आगे तक गदेरे तक घूमने के लिए, गदेरा है ना वो आगे, हाँ तो हम निकल पाते हैं, प्लान चेंज हो गया, मैं दूध लेने जाऊंगा वहीं पे बैठा रहूंगा, जब आप आओगे मैं भी चलूंगा। चलो फिर निक्की मैं और लक्की नहीं आ रहा, लक्की नहीं आ रहा तो चल यार, वो बोल रहे मैं पहले इतना पतला हूँ और कितना पतला हूँ, वैसे पतले तो तुम भी हो, अरे हम कहाँ पतले हैं यार, पतले हैं यार तुम, अरे जैसे केविन बहुत मोटा है पर केविन नहीं, केविन बहुत पतला है, ऐसा मत बोलिए, नजर लग जाएगी गाइस, मैंने अपना 3 किलो कम किया है। चलो फिर चल लेट्स गो, पहला क्या, अरे तो इसके डैडी भी आ गए, केविन के डैडी भी मना कर रहे, चल यार हम तो क्या बने की कार पे जाएंगे, कार आधा घंटे से ज्यादा मतलब एक घंटा हो गया, तू भी चुप रहा, हाँ। हम कुर्सी में बैठी बुराने से ना फोन आ रखा था ना, फोन आ रखा था, रुको हाँ। मैं वो ही बता रही, मैंने कहा एक साथ घूमते हैं दोनों के दोनों हाँ। तो हमने ऊपर बुलाया छत में, तब से लग रही थी बुआ नहीं कहीं पर उब नहीं होनी त्योहार में, भाई बात बैठी की क्या चली भी भेज सकते, बड़ी मुश्किल से मनाए, अब जान बैठा था, अब स्वामी जी प्राणनाथ जी बुना तेरे मामा को कितना टाइम लगता तैयार होने में, 2 मिनट मामा चला ना दूध, चल हम निकलते हैं, नहीं आएंगे वो क्या
आना चाहिए ना तो आ जानी होता इन्हें चल हम चलते हैं। तो यहाँ पर इसके मामा कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल अभी चार्ज नहीं हुआ, थोड़ा मुझे 5 मिनट वेट कर। मैं तो ये पर देखो आ गए हैं मेरे प्राण नाथ जी। पहले इनको कितना मना है, अंधेरे दो मिनट गया, इतना अंधेरा हो गया तो लगा सकते आप कितना अंधेरा। सब आ गए, अब सब हो गए तैयार, क्योंकि इतना अंधेरा हो गया घर से। लकी भी आ गया है। तो ये देखो अब सब तैयार हो गए। अब ये अब इतना अंधेरा होगा, हम कितना घूम पाएंगे। अभी वो ठुमक ठुमक करके सीढ़ियों में आई रहा सब मोड़ बनो। हाँ सबसे पहले मैं तैयार हो जाओ, तब तक इनकी जानकारी लेने वाले सब। मैं तो बस दूध लेने जाना है, बस चलो मेरे बूजी बाय बूजी। अरे बूजी स्वतंत्र